इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, गैरकानूनी तरीके से धर्मांतरण के मामले में यूपी पुलिस ने एक नया खुलासा किया है। धर्मांतरण गैंग का खुलासा करने वाली यूपी पुलिस को अब इस गैंग के आतंकी संगठन से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। इस मामले की जांच कर रही एजेंसियों को इस गिरोह में विदेश से टेरर फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। इस गिरोह से जुड़े लोग न सिर्फ हिंदू बल्कि ईसाई, जैन और सिख परिवारों के बच्चों का भी बड़ी संख्या में धर्मांतरण करा चुके हैं। अब इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर रख रहे हैं। सीएम योगी ने एजेंसियों को निर्देश दिया है कि सुरक्षा और आस्था के खिलाफ साजिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है धर्मांतरण मामले में इस ग्रुप के टेरर फंडिंग और आतंकी संगठनों से लिंक के सबूत मिले हैं। आतंकी संगठनों से इसके तार जुड़े हुए मिल रहे हैं। धर्मांतरण रैकेट को लेकर यूपी के कानून मंत्री ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि यूपी में माहौल बिगाड़ने के मकसद से धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था। यूपी में धर्मांतरण को लेकर राजनीतिक विवाद भी छिड़ा हुआ है और इस मामले में अब तक के अपडेट है इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, धर्मांतरण के मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ चल रही है, बाकी अभी क्या अपडेट है, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है? सर, उच्च स्तरीय जाँच चल रही है इसमें और जो उच्च अधिकारी हैं उनको स्वयं मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। बड़ा लंबा रैकेट प्रकाश में आया है, करीब 1000 से अधिक लोगों का जबरन प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कराया गया है। उनके नाम धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। इंटरनेशनल कुछ संस्थाओं के भी नाम आए हैं, इंटरनेशनल फंडिंग की भी बात सामने आ रही है, लेकिन चूंकि जांच चल रही है इसलिए अभी सब कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन यह तय है कि सरकार ने निर्णय लिया है, इस मामले में जो भी दोषी होगा उसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, NSA भी लगाएंगे और दोबारा ऐसी घटनाएं न हों इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को निगरानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों को अपनी निगहबानी में रखें जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, सामाजिक विद्वेष खराब कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती थी कि दंगा फसाद तक की नौबत आ सकती थी, तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें और निगरानी में रखें। सर, चूँकि आप कानून मंत्री हैं इसलिए एक आपसे सवाल ये बनता है कि जो लोग की लिस्ट अभी तक सामने आई है ज़्यादातर लोगों ने अपनी मर्जी से किया है, भले ही उनका ब्रेन वॉश किया गया हो, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी ये प्रूफ करना कि मर्जी और प्रलोभन दोनों में अंतर? ये काम कोर्ट का है, लेकिन पुलिस जाँच कर रही है और जांच के बाद रिपोर्ट आने के बाद हम कुछ कह पाएंगे। ATS भी इसमें लगा हुआ है। मामला ये है कि जो लोग भी धर्म परिवर्तित किए हैं, या तो वो विकलांग हैं या बहुत नीडी हैं, उनको प्रलोभन देकर के, दबाव देकर के, बहला फुसला करके इस तरीके का कार्य किया गया है जो कि दुखद है। सामाजिक विद्वेष के लिए समाज में विखंडन पैदा हो, उत्तर प्रदेश का कानूनी माहौल बिगड़े, लोग सड़कों पर आए, इस तरीके की व्यवस्था को अंजाम देने के लिए किया गया था जो कि दुखद है और इसकी पूरे देश में भर्त्सना हो रही है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, इतनी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे कृत्य करने से थर्राएंगी। जमायत उलेमा हिंद कह रही है कि हम आप लोग परेशान कर रहे हैं इसलिए हम उनको लीगल मदद देंगे, तो इस तरह की जो संस्थाएं खुलकर आगे आ रही हैं, जो भी संस्था है अगर किसी अपराधी के समर्थन में कोई व्यक्ति आता है तो भारतीय दंड संहिता के अधीन नियमों में उल्लेख है कि अपराधी के समर्थन में कोई व्यक्ति आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो मतलब जमायत उलेमा हिंद के खिलाफ भी कार्रवाई? हम कोई उंगलियों पर गिन करके बात नहीं कर रहे हैं, जो कानून की किताब में लिखा है यदि अपराधी के समर्थन में कोई व्यक्ति आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। सर, आखिरी सवाल ये, हाल फिलहाल में ही धर्मांतरण कानून यूपी में लागू हुआ है, लोग ये समझना चाहते हैं कि पहले जो कानून था और अभी जो कानून है उसमें क्या फ़र्क है और उससे क्या कानून लागू होने के बाद कोई फ़र्क आया है? पहले जो कानून था स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, उसमें सजा का प्रावधान इतना गंभीर नहीं था। यदि कोई विपरीत धर्म में शादी करता था तो ऐसी शादियाँ स्पेशल मैरिज एक्ट के अधीन होती थी, लेकिन देखा गया था कि लोग अपना नाम बदल करके, छद्मनाम रख करके, गुड्डू बबलू टिंकू रख करके शादी करते थे और ज़्यादातर ऐसे लोग मुस्लिम समाज के होते थे और फिर हिंदू बेटी को, बहन को सड़क पर 3-4 महीने बाद छोड़ देते थे उसका उपयोग करके, और फिर सामाजिक विद्वेष फैलता था, दंगा फसाद की नौबत आती थी। तो हमारी सरकार ने जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया
और उस कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति को शादी करनी है गैर धर्म में तो 2 माह पूर्व जिलाधिकारी को वो सूचना देगा। जिलाधिकारी महोदय यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो उसको शादी को अनुमति दे सकेंगे, लेकिन यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो 10 वर्ष तक की सजा है और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। तो ब्रजेश पाठक साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ बताया कि इस मामले में चूंकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कुछ दिन में जब प्रूव हो जाएगा तो जो दोषी साबित होंगे उन पर एनएसए लगाने की कार्रवाई भी सरकार करेगी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज लखनऊ। तो देश का संविधान सभी को अपनी धर्म उपासना की इजाजत तो देता है, लेकिन दूसरों के धर्मांतरण पर इसमें कानूनन रोक है। ABP News, आपको रखे आगे।